फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं सीम रेप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और बैंकॉक एयरपोर्ट पे क्या क्या हुआ मैं सब आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने लाहौस का जो फ्लाइट बुक किया था उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी ट्रांसफ़र इंटरनेशनल के लिए, बट जो मैंने सीम रेप का बुक किया था उसमें थोड़ा बहुत कुछ हुआ, वो सब मैं आपको बताऊँगा। सो या मेरा पिकअप बस आने वाला है, यहाँ से अभी मैं निकलूँगा अपने होटल की ओर और वहाँ पर जाके मैं आपसे बात करता हूँ पूरा डिटेल्स, जो भी वीज़ा वगैरह के लिए वगैरह वगैरह खर्चा हुआ। और वीज़ा प्रोसेस इज़ रियली चिल, ज़्यादा टाइम कुछ लगता नहीं है। पूरा कहानी आपको बताता हूँ। सो मैं बैंकॉक एयरपोर्ट में गया, लाहौस वाली जो फ्लाइट थी उसमें भी मुझे बैंकॉक के एयरपोर्ट से ही ट्रांजिट लेना था। मैं डायरेक्टली फ्लाई थ्रू के फैसिलिटी से सीधा इंटरनेशनल ट्रांजिट की ओर चला गया था और कोई मुझे वीज़ा ऑन अराइवल या अदर प्रोसेसेस की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट आज क्या हुआ, कैम्बोडिया के लिए मैंने अलग अलग फ़्लाइट बुक की थी एंड नॉट अ कनेक्टिंग फ़्लाइट, जो कि एयर एशिया खुद कर देता है, बट इस बार मैंने अलग अलग किया था क्योंकि मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था ऑन बुकिंग दी सेकेंड फ़्लाइट और उस वजह से मैंने दो फ्लाइट्स बुक कर ली थी। सो मुझे पूरा वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस में जाना पड़ा वीज़ा लेके, अभी तो फ्री है इसीलिए मुझे फ्री में वीज़ा मिल गया और फिर मैं डिपार्चर्स की ओर गया एयरपोर्ट से एग्जिट करके। फिर वहाँ से मुझे इमिग्रेशन सिक्योरिटी बोर्डिंग पास सब कलेक्ट करके उसके बाद मुझे आगे जाना पड़ा। ये एक वियर्ड सी चीज़ हुई आज, पता नहीं अगर वो लोग कनेक्टिंग फ्लाइट्स को अलाउ कर रहे हैं तो ऐसे भी अलाउ करना ही चाहिए। उसके बाद मैं आ गया, आई मेड इट, दो घंटे ही थे मेरे पास बट ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगा। आई थिंक ज़्यादा लोग आज आए नहीं थे इसलिए मैं बच गया और इजीली वीज़ा प्रोसेस वगैरह हो गया। मैं बैंकॉक से एग्जिट किया एंड आई रीच सीएम रेप। वीज़ा के बारे में बता दूँ, सो अगर आप एक इंडियन हो आप इजीली यहाँ पे आके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो $30 में। उसके बाद क्या होता है कि आपको कस्टम का एक फॉर्म दिया जाता है और एक अराइवल एंड डिपार्चर का फॉर्म मिलता है। आपको डिपार्चर का जो फॉर्म होता है वो आपके पासपोर्ट में अटैच रहेगा और आप कहाँ जा रहे हो वो सब का डिटेल्स देना पड़ता है। और वीज़ा प्रोसेस बहुत ही फास्ट था, 9 बजे हमारी फ़्लाइट पहुँची और 9:05 में मैं एयरपोर्ट के बाहर था। आपको 3 जगह पे बस पे करना है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, फिर जाके इमिग्रेशन में आपको बस चेक करना है और कस्टम वाले को कस्टम वाला डॉक्यूमेंट लेके आगे बढ़ जाना है। सिम कार्ड मैंने देखा कि बाहर $3 से $4 में आपको मिल जाता था 20 GB डेटा तक और अनलिमिटेड फेसबुक वीचैट व्हाट्सएप वगैरह, तो मैंने सोचा $3 से सस्ता और क्या ही सिम लूँगा, तो मैंने सिम वहीं से ले लिया। क्योंकि अब फिर मैं अगर अंकुरवाद सुबह जाता हूँ तो कॉल करने के लिए और वगैरह वगैरह तो चाहिए लोकल एक सिम होना चाहिए। सो मैं पहले सोचा था कि मैं सिम नहीं लूँगा क्योंकि टुक टुक से ही जाने का मैं प्लान कर रहा हूँ और गूगल मैप्स का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, बट $3 इज़ गुड इनफ। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप अगर लेना चाहते हो तो ले ही लो। जो होटल में मैं रुका हुआ हूँ उसका रेट था अराउंड 1000 रुपीज़ पर डे, बट अगर आप ब्रेकफास्ट कट कर दें तो 200 रुपये उसमें चले जाते हैं, फिर 200 से 100 रुपये तक ब्रेकफास्ट डिपेंडिंग ऑन यू। सो मैं हैवी ब्रेकफास्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि मैं लंच पता नहीं घूमते घूमते कहाँ हो या लेट हो, इसलिए मैं हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ तो उसमें अच्छे खासे मेरे पैसे बच जाते हैं। और क्या होता है कि आपको पिकअप, जैसे पिकअप में पकड़ लीजिए अगर आप $9 ही पे कर रहे तो $9 हो जाता है अराउंड 600 समथिंग। सो सोच लीजिए वो भी कट हो गया 300 पर डे के। अगर 2 दिन का आपका होटल है तो दैट इज़ अबाउट आपका होटल अराउंड 500 से 600 रुपये में पड़ रहा है। और मैंने जो अच्छे हॉस्टल्स देखे थे, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है सो विदाउट एसी हॉस्टल में तो आप रह ही नहीं पाओगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वगैरह वगैरह। और प्लस मुझे लॉन्ड्री करवाना था क्योंकि मैं बहुत कम कपड़े लेके आया हूँ इस ट्रिप में, सो इट्स बेटर आई टेक द होटल एंड देन बाकी का जो भी प्रोसेस है। सो ये पूरा प्रोसेस था इमिग्रेशन वगैरह वगैरह जो भी कैम्बोडिया में होता है। एंड अभी तो पता नहीं बाहर क्या खुला होगा क्योंकि पब स्ट्रीट भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, सो मैं फटाफट जाके कुछ खा के आता हूँ। पब स्ट्रीट वगैरह और कैम्बोडिया का पूरा ट्रिप कल से शुरू होगा। सो मैं सिम रेप में 2 दिन के लिए हूँ और पेनम पेन में 1 दिन के लिए, तो पूरा आपको मैं बताऊँगा जो भी कैसे पेनम पेन पहुँचना है और कैम्बोडिया के ब्लॉग्स इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए नीचे और मैं आपको वो प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूंगा। दिस वॉज इट, कैम्बोडिया का आज पहला नाइट है, सो देर इज़ नथिंग टू डू एक्चुअली। सो मैं बस थोड़ी बहुत आगे बाहर जाके डिनर वगैरह करके आता हूँ और फिर बैकअप वगैरह करके चिल मारते।
होप यू लाइक द वीडियो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।